हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरे ना घर मेरा ना घर रोड के एकदम पास में ही है, तो ना कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आती ही रहती है, कोई ना कोई व्हीकल की आती रहती है। वैसे यहाँ से बड़े बड़े ट्रक भी निकलते हैं, तो ट्रक की भी आवाज़ आती रहती है। ये कुछ बात है जो मेरे बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें आती है। सो गाइज, मुझे ना सॉन्ग सुनने के बहुत ज़्यादा आदत है, आदत बोलो या फिर एक शौक है। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। और मैं पहले भी अपने मम्मी पापा के घर पे थी, तब भी मैं ऐसे ही करती थी। घर का काम करती थी तो मैं म्यूज़िक सुनते सुनते, मेरे पापा देख रहे होंगे वीडियो, और उनको पता ही है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरा भाई भी मेरा वीडियोस देखते हैं। कमल ने यहाँ पे ना मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर ला के दिया है, वो पीछे रहा रेड कलर का, तो वो मैं घर का काम करते टाइम मैं उसको चालू कर देती हूँ, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और उसको चालू कर देती हूँ, और फिर आराम से म्यूज़िक सुनते सुनते मैं घर का काम करती हूँ। और सबसे पहले ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मुझे अच्छा लगा सो मैं रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कमल, तो मैं ना क्लिप लगा दूंगी उनकी साइड में। ROM 2 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर ओवरव्यू करेंगे। ये बड़ा ही छोटा सा एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, 5 वॉट की आउटपुट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका ये जो साइड में दिया हुआ है फ्रेम, वो रबर का है और ये जो आगे दिख रहा है ये मेटल है, और इसके साथ ये स्ट्रिप दिया हुआ है, आप इसे ऐसे कैरी कर सकते हैं। और बड़ा ही छोटा सा लेकिन बड़ा बढ़िया है, रेड कलर में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये इसको आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, माइक्रो USB केबल दिया हुआ है इसका पोर्ट, और ऑक्स केबल भी दिया हुआ है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से या किसी और डिवाइस से। और यहाँ पर उसके बटन्स दिए हुए हैं, यह है पावर बटन, प्ले बटन और वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन दिया हुआ है। चलिए इसे शुरू करके देखते हैं कैसे कनेक्ट होता है मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से। चलिए तो अभी इसका पावर ऑन करते हैं। हम ये बटन प्रेस करके रखना है, एक छोटी सी लाइट दी हुई है, तो 1, 2, 3 सेकंड में ये स्टार्ट हो जाता है और ये सब लाइट ब्लिंक करती है। तो अपने मोबाइल डिवाइस में इसका ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए। ये मैंने ब्लूटूथ चालू किया और ये है मीवी ROM 2, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दिखा रहा है इसकी बैटरी इतनी है और कनेक्ट है। तो चलिए इस पे अब म्यूज़िक प्ले करके इसकी साउंड क्वालिटी और आउटपुट देख लेते हैं कि कैसा ये प्ले होता है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, हालांकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद बेस और साउंड बहुत ही अच्छा आता है। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम आपको। आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए, थैंक यू। सो गाइस, देखा आप सबने कि इतना छोटू सा है, लेकिन इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। जैसे कि आपको कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर घर का भी ऐसे ही छोटा सा है, वैसे ही मतलब फैमिली गेट टुगेदर हो, ऐसा कुछ भी हो, तो आप इसको लेके जा सकते हो। और इतना काफ़ी है, इतना साउंड आपने सुना, इतना साउंड काफ़ी है। तो
मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबके साथ रिव्यू शेयर किया है। और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोडक्ट मैं लाती हूँ और मुझे अच्छी लगती है तो मैं आप सबके साथ उसको शेयर करती हूँ, उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। द नेक्स्ट डे, सो गाइज आज है संडे और कमल घर पे है, तो उनकी फरमाइश है कि उनको छोले खाने हैं। कब से छोले नहीं बनाए, तो मैंने ये कुकर में छोले बनने के लिए रख दिए हैं। मैं छोले एकदम सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, एकदम बेसिक सा होता है, जैसे घर में बनाते हैं सिंपल वैसे ही बनाती हूँ। तो बस अभी छोले रख दिए और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि हमें चावल के साथ छोले पसंद नहीं है, तो मैं रोटी बनाऊँगी। भटूरे फिर ज़्यादा हो जाता है तला हुआ, सो अभी रोटी बनानी है तो मैं आटा लगाऊंगी, फिर बाद में रोटी बनाऊंगी और फिर खाएंगे आराम से, आज संडे है तो। सो गाइस मेरा लंच रेडी है, ये है छोले की सब्जी, दो रोटी, प्याज और ककड़ी, और ये है मेरा यम्मी यम्मी सा लंच। और मैं लंच करूंगी, फिर मिलते हैं आपको। आए तू गई हूँ, सच में मैं मोटी हो गई हूँ, आप सब बताओ। सो गाइस ये है अटल सरोवर, और कभी कभी हम यहाँ आके बैठते ही है। वो कहते हैं ना कि एकदम बिजी लाइफ हो जाती है, तो कभी कभी ना खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, तो हम कभी कभी छुट्टी में यहाँ आके बैठते भी है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं नेचर के साथ भी, कि अच्छा लगता है, जगह भी एकदम ब्यूटीफुल है। गार्डन भी है और लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने भी आते हैं, चको भी 8 बजे 7 के 8 बजे तक ओपन रहता है, फिर आई थिंक बंद रहता है, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग कभी आए नहीं है तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए भी इतने सारे आते हैं और वॉकिंग के लिए तो बहुत सारे आते हैं। अच्छा है धोड़का में, और धोड़का में आगे भी बहुत सारे तालाब है, लेकिन उसका फिर हम किसी और दिन दिखाएंगे, अभी ये दिखाते हैं। सो टाटा अटल सरोवर, अभी हम जाएंगे विराट सरोवर और वहाँ पे भी एक चक्कर लगा के आते हैं, थोड़े से वीडियो बना। सो गाइज ये है विराट सरोवर जो कि धोलका में ही है, और ये अभी नया नया ही बना है। हम लोग जब यहाँ नए नए आए थे तभी इसका कंस्ट्रक्शन चालू था, और ये ब्यूटीफुल लगता है, इसका नाइट व्यू भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मेरे पास इसकी नाइट व्यू की क्लिप होगी तो मैं ज़रूर वीडियो में डाल दूँगी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो गाइज, मैं सोच रही थी मेरे बाल बहुत खराब हो चुके हैं। और गाइस ये यहाँ पे प्यारी प्यारी सी जगह बनाई हुई है बैठने के लिए, जहाँ पे सब बैठते हैं शाम को आके। और इसको और बारीक से देखते हैं, नज़दीक से दिखाती हूँ, ये कुछ इस टाइप की है, और ये क्लीन भी रहता है यहाँ पे, ये लोग इतना मेंटेन भी करते हैं, और ये मस्त जगह है, सब आराम से बैठते भी हैं आके और एंजॉय करते हैं। गाइज ये है भूल भुलैया, जो कि बच्चों के खेलने की जगह है,
और ये छोटी सी बनाया हुआ है बच्चों के लिए, अच्छा है। सो गाइज, अब अंधेरा होने वाला है तो हम चलते हैं अपने घर और मिलते हैं आप सबको नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।